हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरी ये चोली है, इसको मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक बनाऊँगी, उसके ऊपर की चोली है। इस फ्रॉक का ट्यूटोरियल मैं सेकेंड वीडियो में आपको दे दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये नेक बनाना है इसमें। तो सबसे पहले मैं अपनी बुकरम ले लूँगी, बुकरम को मैंने इस तरह से ओपन करना है और मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये मैंने 15 इंच इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई में मैंने ये 6 इंच लिया है। तो इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसमें 4.5 इंच पे एक मार्क करूँगी इस तरह से। ये मैं बोट नेक बनाऊँगी इसका और 3 इंच में इसकी लेंथ लूँगी इस तरह से, और इसको मैं बॉक्स बना दूँगी। ये इस तरह से मैं इसको बॉक्स बना दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और इसमें एक राउंड शेप ड्रॉ करूँगी, ये बोट नेक हो जाएगा हमारा। ये डिज़ाइन मैंने बोट नेक में ही बनाना है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1.25 इंच का एक मार्क करूँगी इस तरह से, राउंड शेप में ही 1.25 इंच का इस तरह से मार्क करती चली जाऊँगी मैं। तो ये हमारा गले का एक चौड़ाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं आधा इंच पे इसको मार्क करूँगी जहाँ पे मैं पर्ल लगाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आधा इंच पे इस पर मार्क कर रही हूँ, और इसको भी इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद मैं इसमें सेकेंड नेक बनाऊँगी जो मैं 1.25 इंच पर ही बनाऊँगी। तो मैं 1.25 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मार्क करा है, और इसे भी राउंड शेप दे दूंगी मैं। तो ये मेरे 3 नेक रेडी हो गए हैं, और इन 3 नेक को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही केयरफुल आपको कट करना है। ये आधा इंच का भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और फिर लास्ट वाला भी मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है, कुछ इस तरह से कट हुआ है। उसके बाद मैं ऊपर और नीचे का और बीच का पीस हटा दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे 2 नेक रेडी हो गए हैं। ये इस तरह से ओपन होके कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये इस तरह से आधा इंच वाला जो है मैंने पीस हटा दिया है इसमें से। अब इसके बाद मैंने एक फैब्रिक पे इसे रखा है अपने सब बस नीचे वाले नेक को, जो सबसे बड़ा नेक था मेरा उसको रखा है मैंने। और इसे इस तरह से आप चाहे आयरन से इस पर चिपका लें या फिर इसे एक सिलाई लगा लें इसके ऊपर। मैं इसमें एक सिलाई लगा लूँगी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। ये बड़ा नेक हमारी चोली पर अटैच होगा, तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा मैं इसे कट कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखूँगी और इसे एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर लूँगी पूरे को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। बहुत फिनिशिंग से इसे आपको फोल्ड करना है, ये इस तरह से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। तो ये मेरा नेक रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं बुकरम ना मुड़े आपकी, ये ध्यान रखें आप अपना। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कम्प्लीट कर लिया है इसे। तो ये सीधा होके इस तरह से दिख रहा है। अब मैं अपनी चोली लूँगी और इसमें बीच में मैंने इस तरह से इसमें कट लगा लिया है इसका सेंटर मार्क करने के लिए। दोनों चीज़ों में मैंने बीच में मार्क कर लिया है, और इसे मैं इस तरह से इसके ऊपर अटैच करूँगी। तो मैं बिल्कुल ही बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में ही इसकी सिलाई करूँगी। सबसे पहले मैं बीच में एक कच्ची सिलाई कर लूँगी जिसे मैं बाद में निकाल दूँगी इस सिलाई को, जिससे ये गला हमारा इधर उधर ना हो। तो मैं इसके बीच में बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर ही सिलाई करूँगी। बुकरम पे बिल्कुल सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर ही मैं इसको इस तरह से राउंड शेप में सिलाई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सिलाई कर ली है, और ये जो मैंने बीच में से सिलाई करी थी इसे भी मैं निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये निकाल दी है अपनी सिलाई। अब मैं इसे कट करूँगी, कट में थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन निकाल कर ही इसका कट करूँगी। थोड़ा थोड़ा मार्जिन मैं इसमें रहने दूँगी। तो ये मैं इस तरह से इसे कट कर लूँगी। तो
तो आप देख सकते हैं मैंने ये कितना मार्जिन रखा है। उसके बाद मैं इसमें कट लगाऊंगी। ध्यान रखें आप अपनी सिलाई पे, इसमें कट ना लगना चाहिए। पूरे में मैं इसमें कट लगा लूँगी राउंड शेप में। तो ये मैंने कट लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी ये इस तरह से। ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, अपना चोली पे गला लगा लिया है। इस पर आप चाहें तो इसके ऊपर एक सिलाई कर लें, मैं इस पर प्रेस कर लूँगी। तो उसके बाद मैं अपना छोटा वाला नेक लूँगी जो मैंने 3 इंच पे बनाया था। उसके बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी जिस तरह मैंने पहले गले पे लगाया था। आप चाहें तो इसे आयरन से चिपका लें या सिलाई कर लें। सिलाई करेंगे तो ये दिखेगी, तो इस वजह से मैंने इसे सिलाई नहीं करी है। आप आयरन से चिपका सकते हैं इसे, और मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लिया है और इसके बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगाई है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें कट कर लूँगी। ज़्यादा मार्जिन आपको कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहने देना है। और मैंने इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसको राउंड शेप में इस तरह से मार्जिन लेते हुए कट करूँगी। इस पर कोई मैंने सिलाई नहीं लगाई है अभी, मैं सिर्फ इसमें मार्जिन ले रही हूँ और इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लें आप। उसके बाद आपको एक और कपड़ा लेना है, राउंड शेप में ही ले लें या किसी भी तरह की शेप में ले लें, बस इसमें इस तरह से आना चाहिए और इसके बिल्कुल बराबर बराबर में बुकरम के सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर में ही सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैं इस तरह से इस पर सिलाई लगा लूँगी। नीचे से मार्जिन आप देखें, थोड़ा सा बचना चाहिए इसका मार्जिन नीचे का। मेरी बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए लेकिन। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है और जितना आपका मार्जिन है उसी हिसाब से इसको कट कर लें इस कपड़े को। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है और इसमें भी मैं इसे कट लगा लूँगी ये इस तरह से। ध्यान रहे आपकी ये सिलाई ना कटे इसमें। तो ये मैं इस तरह से इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी मैं इसे। ये कुछ मुश्किल से होएगा लेकिन फिर भी हो जाएगा। ये राउंड शेप में है इस वजह से, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी इस तरह से फोल्ड करके, जिससे ये अच्छे से बैठ जाए, हमारा नेक घूमेगा नहीं फिर ये। तो बिल्कुल बारीक बारीक, आप जितना बारीक ले सकें सिलाई में मार्जिन उतना लें, उससे ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपके मार्जिन में। तो ये मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं हमारा गला बैठ गया है, इससे पहले ये मुड़ नहीं रहा था। उसके बाद इसमें आप हल्का हल्का सा ही मार्जिन लें, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अंदर जाएगा कपड़ा। तो मैं इस तरह से इसे बारीक सा कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा नेक रेडी हो जाएगा है, बहुत फिनिशिंग से। इस पर भी आप बारीक ही सिलाई लगाएं तो ज़्यादा अच्छी है, बीच में सिलाई ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर मैं लेस लगाऊँगी वैसे। तो आप देख सकते हैं मेरा ये कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद मैं इसमें एक लेस लगाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें लेस लगा दी है। तो इस तरह से मैं इस पर राउंड शेप में लेस लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लेस लगा ली है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा नेक रेडी हो गया है। उसके बाद मैं अपनी चोली लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ दिखेगा। दोनों नेक हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके जो आधा इंच का मैंने मार्जिन लिया था उसमें मैं ये इस तरह से मोती लगाऊंगी गोल्डन कलर के। पहले मैं पक्का कर लूँगी, उसके बाद मोती डालूँगी, उसके बाद मैं छोटे वाले नेक में अपने इस तरह से इसे पक्का कर लूँगी। ध्यान रहे आपका आधा इंच पे ही ये मार्जिन रहना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इस तरह से सभी जगह पे इस तरह से मोती लगा लेंगे।
तो मैं इस तरह से इसमें मोती अटैच कर लूँगी, तो ये नेक भी हमारा अटैच हो जाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल लुक है मेरे नेक का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको नेक डिज़ाइन कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।